So let's start our today's session. We were discussing topic number 7 which is insert missing character. Insert missing character. इसमें आपको कुछ न कुछ डायग्राम दे दिया जाता है, and उस डायग्राम में one character is missing. वन कैरेक्टर इज मिसिंग इन अ डायग्राम एंड यू हैव टू फाइंड आउट अ पैटर्न एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पैर्न यू हैव टू फाइंड आउट दैट मिसिंग कैरेक्टर एक क्वेश्चन मार्क् दे दिया रहेगा आपको वो क्वेश्चन मार्क् निकालना है तो हमने क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री लास्ट क्लास में फ्राइडे की क्लास में कर लिया था मैंने दो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे जो बोनस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर वन एंड टू होमवर्क था ओके सो वी विल डिस्कस दिस होमवर्क क्वेश्चन टूडे एंड देन वी विल सोल्व मोर क्वेश्चन ये वाले बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे आप लोगों को क्यों क्योंकि डायग्राम के फॉर्म में होते हैं एंड डायग्राम इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग सो लेट स्टार्ट आवर टूडे इन दिस फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन इज दिस जिस में यहां पर थर्टी थ्री फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी टू एंड क्वेश्चन मार्क यू हैव टू फाइंड आउट वट विल कम इन दिस क्वेश्चन मार्क बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू सबसे पहले अंकुश ने आंसर दिया अंकुश का बहुत पहले आंसर आया था ट्वेंटी टू ओके करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी टू मैम कैसे आया अगर आप ध्यान दोगे तो वी आर डूइंग एटी टू प्लस फिफ्टीन माइनस थर्टी फोर प्लस फोर्टी फाइव मतलब आप ऑपोजिट्स को ऐड कर रहे हो ऐटी टू प्लस फिफ्टीन इन दोनों को ऐड कर रहे हो एंड देन दिस माइनस दिस तो आ जाएगा आपका सेंटर वाला सो इफ यू विल डू एटी टू प्लस फिफ्टीन माइनस थर्टी फोर प्लस फिफ्टीन थर्टी फोर प्लस फोर्टी फाइव सॉरी थर्टी फोर प्लस फोर्टी फाइव तो ये हो जाएगा अपना नाइंटी सेवन माइनस सेवेंटी नाइन सो योर आंसर विल बी एटीन आया सेंटर वाला बराबर है सेम वी विल अप्लाई इन दिस सेकेंड फिगर फर्स्ट फिगर में एक पैटर्न आया लेट्स सी इफ दिस पैटर्न इज एप्लीकेबल इन सेकेंड पैटर्न आल्सो फोर्टी सिक्स प्लस फिफ्टी सिक्स दिस प्लस दिस माइनस ट्वेंटी थ्री प्लस एटीन ट्वेंटी प्लस एटीन करके देखो इसको 46 सिक्स प्लस फिफ्टी हो जाएगा अपना 102 एंड टू 23 18 हो जाएगा एंड उट सेंटर वाला आ गया ना सेम पैटर्न यू हैव अप्लाई इन थर्ड फिगर फाइंड आउट सेंटर वाला नंबर कैसे होगा मैम इसको मिटा देते हैं अब वापस निकालते हैं थर्टी थ्री प्लस ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी टू माइनस फिफ्टीन तो थर्टी थ्री प्लस ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा फिफ्टी नाइन माइनस ट्वेंटी टू प्लस फिफ्टीन हो जाएगा थर्टी सेवन सो द आंसर विल बी ट्वेंटी टू सो योर करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी विच इज ट्वेंटी टू बॉक्स में बताओ क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्लियर येस वेदिका क्रिस्टल क्लियर वेरी गुड सोविंग टूअर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन देर आर टू पैटर्स गिवन टू यू इन विच नंबर इज फोर सिक्सटीन थर्टी सिक्सटी फोर एंड इन दिस देर इज नाइन ट्वेंटी फाइव डैश क्वेश्चन मार्क एटी वन यू हैव टू फाइंड आउट पैटर्न एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस मिसिंग कैरेक्टर यू हैव टू फाइंड आउट दिस क्वेश्चन मार्क तो कैसे आएगा मैम अगर आप एडिशन अपट्रैक्शन करके देख लो यहां कोई फिगर निकल के नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का बहुत सारे बच्चों का सही भी आंसर आया और बहुत सारे लोगों का गलत भी आया जिन्होंने मुझे होमवर्क भेजा था मैंने उन लोग का चेक किया था बट ट्राई आप लोग ने किया वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गलत आया सही आया

सॉरी वी आर कैलकुलेटिंग इवन वी आर कैलकुलेटिंग स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, लाइक टू का स्क्वायर फोर का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर एट का स्क्वायर टू फोर सिक्स एट सिमिलरली इफ यू विल सी दिस वाला पैटर्न इफ यू विल सी दिस पैटर्न देन इन दिस वी आर डूइंग मैम थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री इज आर नाइन थ्री इंटू फाइव का स्क्वायर फाइव इंटू फाइव इज इक्व टू ट्वेंटी फाइव 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 ट्वेंटी फाइव डैश में क्या आएगा बताओ ना ये क्या है ये है नाइन का स्क्वायर का एटी वन नाइन इंटू नाइन इज इक्वल रहे हैं थ्री फाइव सेवन इंटू सेवन सो सेवन इंटू सेवन इज इक्वल टू फोर्टी नाइन सो द करेक्ट आंसर इज फोर्टी नाइन विच इज ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टल क्लियर धन मै एन सब सेइंग क्रिस्टल क्लियर ओके वेरी गुड लेट्स सी सबसे पहले आंसर किसने दिया 49 आशीष प्लीज फॉलो द रूल्स प्लीज आंसर इन चैट बॉक्स आई विल सी चैट बॉक्स फर्स्ट आंसर दिया प्रियांशी ने प्रियांशी वेरी गुड 49 इज द करेक्ट आंसर सो द करेक्ट आंसर इज 49 तन्मय ने भी करेक्ट आंसर दिया अंकुश ने प्रियांशी ने आशीष ने अंकुश सुधीर सबने करेक्ट आंसर दिया विपिन आर्या सुस्मिता ओके वेरी गुड सो वी आर डन होमवर्क क्वेश्चन टू टू आईसीएसआई क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री ऑफ आईसीएसआई क्वेश्चंस इज डन नाउ मूविंग टूव क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ आई आई क्वेश्चन अ फिगर इज गिवन अ सर्कल इज गिवन इन दिस सर्कल जीरो क्वेश्चन मार्क 8 and 3 is given. You have to find out what will come in this question mark. Anybody who can answer this? Vampire. Manish, please answer in chat box. Please, I request you. Please. Okay. So, everybody is answering in chat box. Answer kya oka question marks. Question me Botlok lok 5, log bol 15. ओके okay. मूर्ति बोल रहे हैं है, मैम क्लू दो क्लू <laughs> ऐसा नहीं होता है मूर्ति दिमाग लगाओ खुद से ठीक है अभी तो मैं वैसे भी समझाऊंगी ही सो द करेक्ट आंसर इज मैम द करेक्ट आंसर इज फिफ्टीन आप लोग मॉड्यूल में देख के तो आंसर नहीं बता रहे हो ना तन्मय इज़ सबसे पहले तन्मय ने करेक्ट आंसर दिया है सो तन्मय इज द विजेता ऑफ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नाउ आई विल टेल यू इसका आंसर कैसे आएगा सी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें आप थोड़ा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा जीरो थ्री एट के बीच में क्या रिलेशन है यू हैव टू फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन जीरो थ्री एंड एट टू फाइंड आउट दिस मिसिंग कैरेक्टर एंड इफ यू विल सी द पैटर्न मैम हियर द पैटर्न इज वन का स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो वन का स्क्वायर दैट इज वन इंटू वन माइनस वन जीरो नेक्स्ट थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री जार नाइन थ्री इंटू थ्री नाइन माइनस वन इज इक्वल्स टू एट अच्छा मैंने टू का स्क्वायर खा गई इसको नीचे करते हैं टू का स्क्वायर 2 2's are 4. 2 into 2 is equals to 4. 4 minus 1 is equals to 3. So, here you are doing 1 ka square minus 1, 2 ka square minus 1, 3 ka square minus 1. So, 4th wala character will be 4 ka square minus 1. 4 4s are 16. 4 into 4 is equals to 16. 16 minus 1 is equals to 15. So, your correct answer will be ma'am 15. Question number, uh, option number 2. Option number 2, 15 is your correct answer. Everybody crystal clear. Nancy is saying ma'am crystal clear. मैम मैंने कर लिया है एक और वे है ठीक है तन मैं क्लास के एंड में बताना इसको सॉल्व करने का एक और तरीका क्या है ठीक है सबको क्रिस्टल क्लियर मैम वी आर वी आर डूइंग वन का स्क्वायर माइनस वन इज टू जीरो टू का स्क्वायर माइनस टू थ्री थ्री का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू फिफ्टीन लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा अ सर्कल इज गिवन इन दिस फोर नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन मार्क यू हैव टू फाइंड आउट क्वेश्चन मार्क व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क बताओ जल्दी चैटबॉक्स में लेट सी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के विजेता कौन है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के विजेता कौन है हिमली सिंह क्रिस्टल क्लियर ओके सो एवरीबडी इज़ आंसरिंग सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर तन मै बोल रहे मैं सेकंड हूँ ओके सो फास्टेस्ट फंग फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के विजेता है शिखा जी शिखा यू आर वेरी गुड प्राउड ऑफ यू तन मै इज सेकेंड सुधीर इज थर्ड मनोज इज फोर्थ एंड देन अंजलि प्रियांशी आशीष सब सब सही आंसर दे रहे हैं द करेक्ट आंसर इज 64 फोर मैम कैसे आया सिक्सटी फोर मैम बहुत ईजी है ये वाला बहुत ईजी आप इसको दिमाग लगा लेंगे कैसे आया मैम यहाँ पर अगर आप करेंगे कि वन का क्यूब इज इक्वल्स टू वन इंटू वन इंटू वन इज इक्वल्स टू वन नेक्स्ट टू का क्यूब क्यूब मीन्स मल्टीप्लाइड तीन बार टू इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू टू इंटू टूक्वल्स टू फोर फोर इंटू टू इज इक्वल टू एट ये आ गया एट आ गया नाउ थ्री का क्यूब इज इक्वल्स टू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू नाइन नाइन इंटू थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन ये आ गया तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा मैम फोर का क्यूब आएगा फोर का क्यूब मीन्स

17 16 15 52 39 26 29 44 59 37 question mark 45 you have to find out between these numbers and then you have to find out the value of this question mark anybody who can answer this sabko aata hai sabne solve kar liya, 41 manish is saying 52 okay okay बहुत सारे लोग इसका फोर्टी वन आंसर दे रहे हैं एंड तनमे सिंह आई एम अगेन सेकंड ओके आशुतोष इज सिंग मैम सिक्स माइनस वन सिक्स माइनस वन क्यों होगा सिक्स माइनस वन नहीं होगा ठीक है बाकी सब फोर्टी वन दे रहे हैं यस द करेक्ट आंसर इज फोर्टी वन अगेन पहले स्थान पर है शिखा सेकंड है तनमय वेरी गुड यू आर डूइंग वेल थर्ड इज वेदिका आशुतोष ने गलत आंसर दिया है बाकी सबने सही आंसर दिया है फोर्टी वन इज द करेक्ट आंसर कैसे आएगा मैम इफ यूल सी द पैटर्न ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को दिस इज दिडल नंबर ऑफ दिस एंड दिस द मिडल नंबर ऑफ फिफ्टीन एंड सेवेंटीन इज सिक्सटीन मिडल नंबर कैसे निकालेंगे मिडल नंबर निकालते हैं मैम आप प्लस करके डिवाइड बाय टू करते हैं सो इफ यू हैव टू फाइंड आउट मिडल नंबर ऑफ सेवनटीन एंड फिफ्टीन तो आप क्या करोगे 17 प्लस फिफ्टीन डिवाइडेड बाय टू विच इज सिक्सटीन ये आ गया नाउ सेकेंड 52 और 26 का मिडल नंबर है 39 कैसे कैलकुलेट करेंगे मैम 52 टू प्लस डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करके देख लो 39 ही आएगा विच मींस 39 नाइन एग्जैक्ट बीच में आएगा 52 और 26 के एग्जैक्ट बीच में 39 आएगा 39 नाइन विल कम इन एग्जैक्ट मिडल ऑफ 52 टू एंड ट्वेंटी सो आगे देखते हैं ट्वेंटी नाइन एंड फिफ्टी नाइन के मिडल में फोर्टी फोर आएगा कैसे मैम ट्वेंटी नाइन प्लस फिफ्टी नाइन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करके देख लो फोर्टी फोर आएगा सिमिलरली क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा मैम क्वेश्चन मार्क में जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इन द मिडल ऑफ थर्टी सेवन एंड फोर्टी फाइव थर्टी सेवन एंड फोर्टी फाइव सो हाउ टू कैलकुलेट मिडल नंबर मैम थर्टी सेवन प्लस फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई टू

क्रिस्टल क्लियर एवरीबडी आर् आई सिंह मैम फोर्टी वन है आंसर नैन् सिंह ट्रिकी कंसेप्ट है बट इजी है यस ये थोड़ा ट्रिकी है इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा पैटर्न ये एक रो में बीच वाला जो है इट इज़ इन एग्जैक्ट मिडल ऑफ अदर टू दिस इज़ इन एग्जैक्ट मिडल ऑफ दिस टू दिस इज़ इन एग्जैक्ट मिडल ऑफ दिस टू सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस विच इज इन एग्जैक्ट मिडल ऑफ दिस टू विच इज़ फोर्टी वन क्रिस्टल क्लियर ना हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्रिस्टल क्लियर एवरीबडी यस आकांक्षा सिंह मैम क्रिस्टल क्लियर मूर्ति सिंह मैम यू विल हेल्प मी ड्यूरिंग एग्जाम आपको पता है ना एग्जाम के बीच में अगर आप ऐसे और ऐसे भी देख लिए ना आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा जुलाई अटैम्प में मेरे को ऑलमोस्ट आठ दस बच्चों का मैसेज आया कि मैम आई सी एस आई हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रही है क्योंकि उसने बोला कि हमने पेन पेपर यूज़ किया या हमने इधर उधर देखा या हमारे रूम में कोई आ गया तो मैं कैसे हेल्प करूंगी आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता आपके एग्जाम आपको अकेले बैठ करके देने हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू होता है आपका एग्ज़ाम जिसमें आपका जो वेबकेम है लैपटॉप का वो उस, उससे आपकी कम कंटिन्यू मॉनिटरिंग होती रहेगी अगर कोई बीच में आया या आप इधर उधर देखें तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा फिर आपको दूसरा अटैम्प देना पड़ेगा तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती एग्जाम में बट एग्जाम से पहले आप मेरी जितनी हेल्प मांगोगे आप रात के दो बजे भी मेरी हेल्प मांगोगे तो मैं बिल्कुल कर दूंगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन का सबने ऑलरेडी आंसर दे दिया है एडवांस में आशीष इज सिंह मैम वेयर दिस क्वेश्चन आर गिवन यार आशीष आप कितने दिन से क्लास कर रहे हो ये क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो ठीक है आ, सबसे पहले इसका आंसर दिया है कनक ने इसका आंसर इज करेक्ट आंसर इज एफ शिखा इज सेकेंड वेडिका इज थर्ड आशुतोष इज फोर्थ सभी ने करेक्ट आंसर दिया है दीक्षिता के बोल रही है सुधीर के बोल रहा है के नहीं होगा प्रियल जे बोल रही है जे नहीं होगा द करेक्ट आंसर इज एफ हाउ मैम हाउ एफ कैसे अगर आप देखोगे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है प्लीज कॉन्सेंट्रेट इसमें कॉलम्स का पैटर्न निकलेगा अलग अलग कॉलम्स का पैटर्न निकल के आएगा अगर आप मैम अगर आप रो का पैटर्न निकालने जाओगे ना तो कोई पैटर्न निकल करके नहीं आएगा यू वॉन्ट फाइंड एनी पैटर्न इफ यू विल कैलकुलेट रो वाइज सो इफ यू विल सी कॉलम वाइज कॉलम वाइज we will solve this question on the basis of positioning positioning means we will apply इजोटी इजोटी ठीक है कैसे मैम कैसे हमें पता है अल्फाबेट सीरीज में अगर हम अल्फाबेट सीरीज में जंप करें वापस ये रहा अल्फाबेट सीरीज इसमें ए की पोजीशनिंग इज वन बी की टू सी की थ्री डी की फोर एंड सो ऑन तो हमने इसको याद करने के लिए इजोटी फॉर्मूला अप्लाई किया था ई e का फाइव जे का टेन का फिफ्टीन टी का ट्वेंटी एंड वाई का ट्वेंटी फाइव सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन कहा गया ये रहा ठीक है नहीं ये वाला है दिस वर् तो मैम इफ यू मैम इफ यू विल डू पी माइनस ए यू विल फाइंड ओ कैसे पी की पोजिशनिंग कौन सी है इजोटी में ओ के बाद आता है पी तो ओ की पोजिशनिंग फिफ्टीन होती है तो पी की पोजिशनिंग हो जाएगी सिक्सटीन ए की पोजिशनिंग होती है वन तो सिक्सटीन माइनस वन इज इक्वल्स टू फिफ्टींथ और ये देख लो फिफ्टीन पोजिशन में ओ आता होगा उट दोजीशन सिक्सटीन माइनस वन इज इक्वल टू फिफ्टींथ सो फिफ्टींथ पोजिशन में ओ आता है इसीलिए फिर आएगा ओ नेक्स्ट यू हैव टू डू जे माइनस डी जे की पोजिशनिंग कौन सी है इो ई जे जे की पोजिशनिंग है टेंथ

पोजिशनिंग होता है फिफ्टीन आई का पोजिशनिंग होता है आई जे जे का टेंथ है तो आई का हो जाएगा नाइन्थ तो इक्वल्स टू सिक्स पोजिशन एंड योर सिक्स पोजिशन इज ई के बाद वाला एफ सो योर करेक्ट आंसर विल बी एफ क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? एफ इज योर करेक्ट आंसर यस क्रिस्टल क्लियर लेट्स सी चैट बॉक्स ठीक है मैम सुस्मिता यू कैन नॉट यूज पेन एंड पेपर पेन पेपर इज नॉट अलाउड इन योर एग्जाम ओके सो ठीक है बच्चों प्लीज लड़ो नहीं आप लोग सब एक दूसरे के दोस्त हो कोई बात नहीं लड़ाई नहीं करते हम अच्छे बच्चे हैं और हम एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं लड़ाई नहीं करो यहाँ ठीक है चलो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन क्लियर क्रिस्टल क्लियर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा अ स्टार स्टार इज गिवन एंड इन देर आर वैल्यूज गिवन वन टू सिक्स ट्वेंटी वन एटी एट क्वेश्चन मार्क ठीक है ठीक है अब आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है प्लीज लड़ाई मत करो लेट इट बी लीव आप लोग दोनों समझदार हो लेट इट बी द क्वेश्चन इज सेइंग वन टू सिक्स ट्वेंटी वन एटी क्वेश्चन मार्क यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट द पैटर्न एंड लेट मी नो द आंसर बहुत लोग ने पहले ही आंसर दे दिया था अच्छा प्रियांशी ने दिया था फोर्टी फाइव मूर्ति सिंह मैम वन का क्यूब होगा और कोई जो आंसर देंगे क्यूब नहीं हो रहा है यहां मूर्ति क्यूब नहीं हो रहा है थोड़ा और दिमाग लगाओ थोड़ा और दिमाग लगाओ पी इज सिंह फोर फोर्टी फाइव ओके अपना दिमाग लगा के आंसर बताना मॉड्यूल में देख करके आंसर नहीं देना है ठीक है ओके और कोई जिस जो इसको सॉल्व कर सकता है थोड़ा डिफिकल्ट है डोंट वरी बट जैसे ही मैं आपको लॉजिक बताऊंगी वैसे ही आपको ये क्वेश्चन इजी लगने लग जाएगा सो डोंट वरी आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, सी, इस क्वेश्चन में वॉट वी आर इफ यू विल ट्राई टू फाइंड आउट पैटर्न बिटवीन वन टू सिक्स ट्वेंटी वन तो मैम यहां क्या हो रहा है यहां पर हो रहा है दिस इज वन दिस इज वन इंटू वन प्लस वन so 1 into 1 is equals to 1 and 1 plus 1 is equals to 2 next we are doing ma'am we are doing 2 into 2 plus 2 so 2 twos are 4 4 plus 2 is equals to 6 so this is your 6 next we are doing ma'am 6 into 3 plus 3 6 threes are 18 18 plus 3 21 so this is your next number now we will do ma'am 21 into 4 plus 4 so 21 into 4 is equals to 84 plus 4 is equals to 88 next next 88 into 5 प्लस फाइव एटी एट इंटू फाइव प्लस फाइव इज इक्वल्स टू फोर फोर्टी फाइव सो डैश में क्या आएगा मैम डैश में आएगा 445. फोर्टी फाइव सिंपली द लॉजिक इज वॉट इज द लॉजिक मैम द लॉजिक इज फर्स्ट वी आर डूइंग नंबर है एक नंबर है जैसे वन टू सिक्स ट्वेंटी वन एटी एट ये है वन टू सिक्स ट्वेंटी वन एटी एट तो इसमें हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट वाले में इंटू वन प्लस वन देन इंटू टू प्लस टू देव एक एक इंक्रीमेंट में करते जा रहे हैं पहले वन से मल्टीप्लाई एड टू से मल्टीप्लाई एड थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन सो प्रीवियस नंबर जो है वन इंटू वन प्लस वन करोगे तो टू आ जाएगा टू इंटू टू प्लस टू करोगे तो सिक्स आ जाएगा सिक्स इंटू थ्री प्लस थ्री इज ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर प्लस फोर इज इक्वल टू एटी एट एटी एट इंटू फाइव प्लस इज इक्वल टू योर फोर फोर्टी फाइव सो द करेक्ट आंसर इज मैम वन विच इज फोर फोर्टी फाइव क्लियर एवरीबडी ठीक है हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको बिना पेन पेपर के करना लेकिन ये पता है ये क्वेश्चंस आपके आईसीएसआई ने दिए हैं ये क्वेश्चंस आपके आईसीएसआई के मॉड्यूल के हैं जो आईसीएसआई ने स्टडी मटेरियल रेफरेंस मटेरियल दिया है पढ़ने के लिए ये क्वेश्चंस उसके हैं सो so, बहुत कम चांसेस है कि इतने हार्ड क्वेश्चन आएंगे लेकिन इन केस अगर ऐसे एक दो क्वेश्चन डाल देता है एग्जाम में तो वी शुड बी प्रिपेयर कि हम एक भी मार्क्स नहीं छोड़ेंगे हमें तो आउट ऑफ लेके आना है टू आउट ऑफ टू लेकर के आना है, है। इसीलिए हम हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि अगर भूले चूके एक दो क्वेश्चन आ गया तो हम बना ले हम तो है। है? हम तो तो हैं ठीक है क्रिस्टल क्लियर वाले स्टूडेंट हैं दिस क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन आईसीएसआई वाले नहीं रहेंगे होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे नीचे आ जाओ जो बोनस प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं ठीक है इसमें से होमवर्क रहेंगे वन टू कर लिए थे अपन थ्री इज होमवर्क फोर रहने दो फाइव कर लेना सिक्स कर लेना टेन कर लेना इतना कर लोगे मैं रिपीट कर दू रिपीट कर रही हूं होमवर्क क्वेश्चन है थ्री फाइव सिक्स बस तीन ही रह टेन रहने दो थ्री फाइव और सिक्स इतना कर लो आप लोग